ऋषियों ने कहा साथ ही संसार के दुख तथा उन दुखों के नाश करने के उपाय भी कहिए और बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख उठाता है। यहां भी तो दुख उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, तो वो कह रहे हैं यहां किस प्रकार से दुख उठाता है और उनसे बचने के उपाय बताइए। यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं और परलोक में जाकर किस प्रकार दुख पाते हैं, यथा रीति इन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने जब उन ऋषियों के मुख से सुना तो उन्होंने कहा जरा ध्यान से सुनो, जैसा प्रश्न तुमने हमसे किया है, जिन विषयों में तुम जानना चाहते हो, इन्हीं प्रश्नों को श्री गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से किया था। गरुण ने भगवान से सेम क्वेश्चन किए थे, तो जरा सुनिए क्वेश्चन क्या है गरुण के। गरुण जी ने क्या कहा, भक्ति मार्गो बहुविधि कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा, अधुना श्रोतमिच्छामि यम मार्ग भयंकरम त्वद भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनम श्रुतम। गरुण जी महाराज ने कहा, अपने भक्ति भाव का बड़े विविध तरीके से वर्णन किया है, हे देव मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आपसे विमुख हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, 94% लोग विमुख हैं भगवान से, वैसे तो ज्यादा ही बढ़ा दो, पर मैं सोच रहा हूं 6% तो बचा के रखूं, 5% बचा लेते हैं, 95% कह देते हैं, 95% लोग भगवान से विमुख हैं। और यमपुरी जाने वाले मनुष्य वही हैं जो भगवान से विमुख हैं। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, किसी को भी आप भगवान से विमुख मत होने दीजिए। ये आधुनिक लाइफ स्टाइल न सिर्फ यहां दुख देगी, न सिर्फ यहां कलेश देगी हमारे बच्चों को, अपितु परलोक में भी हमारी आने वाली पीढ़ी और हम खुद दुख ही पाने वाले हैं। इसलिए हमको ये जिम्मेदारी दी है भगवान ने मनुष्य जीवन देकर, एक तो स्वयं और एक हमारे स्वयं की संतान उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर चलकर न हमारा नुकसान हो और न उनका नुकसान हो। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी ड्यूटी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी रखते हैं और गाड़ी चलाने के लिए एक सारथी रखते हैं, अब उस सारथी की क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी कि गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाए, उन रास्तों का बोध करे जिन रास्तों पर चलकर हमारी गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, यही ना। तो जो घर के मेंबर है ना, इस परिवार को ही गाड़ी समझो और अपने आप को सारथी मतलब ड्राइवर समझो। भगवान ने इस परिवार का ड्राइवर हमको बनाया है और कहा है कि वो रास्ते तुम्हें पता होने चाहिए जिन रास्तों से ये जीवन की गाड़ी जाएगी और कितनी स्पीड पे जाएगी, दूसरा कहां कट लेना है, दूसरा रॉन्ग नो एंट्री में प्रवेश नहीं करना है, तीसरा पहाड़ों पे कैसे चलना है, खाई से कैसे बचना है, जल पे ऊपर होके जब गाड़ी जाए फ्लाईओवर पे तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, ये सब सोच समझ के आपको अपने परिवार रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी डाल दो, ये हमारी जिम्मेदारी है खुद को बचाने की और अपनी आने वाली। अरे तुम दो बच्चों को नहीं बचा सकते, तुम दो बच्चों को सनातनी नहीं बना सकते, भगवान का भक्त नहीं बना सकते, दो बच्चों को काहे मानव बन गए हो भाई। बहुत आसान है यह कहना हमारे बच्चे हमारी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो उम्र थी मानने की उस समय आपने मनवाया नहीं,
उस समय आपने लीव कर दिया, तब तब लग गए अलग जगह पे। अब सुनो, गरुण जी कह रहे हैं जो लोग आपसे विमुख हो जाते हैं, आपसे विमुख हुए लोग तद भक्ति विमुखानाम, आपकी भक्ति से जो मनुष्य विमुख हो गए हैं, तत्रेव गमनम श्रुतम, वही यमपुरी जाते हैं। तो जो आपसे विमुख हैं, आपकी भक्ति से विमुख हैं, उन लोगों को जब यमपुरी के लिए ले जाया जाता है, जब वो यमपुर जाते हैं तो उन्हें कौन कौन से कष्ट उठाने पड़ते हैं, मैं ऐसा सुनना चाहता हूं। हे प्रभु, आपका नाम जप अत्यंत सुगम, ध्यान से सुनिए कितनी अच्छी बात, आहा ये जरूर सुनिए कितनी अच्छी बात गरुण जी ने कही। सुगम सुगमम भगवन नाम जिभ्या न च वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति धिगस्तु नराधमम। आपका नाम कितनी सुगमता से लिया जा सकता है, बोलो एक बार नारायण नारायण, जोर से बोलो नारायण नारायण, राम राम, राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सियावर रामचंद्र की, नारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की, शंकर भगवान की। बताओ जीव ने कहीं भी टैक्स मांगा हो तो, एक भी जगह जीव रुकी हो तो बताओ। सुगम 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 सुगम, कितना आसानी से नाम लिया जा सकता है, कितना सुगम है। आपका नाम कितनी सरलता से लिया जा सकता है, जाप किया जा सकता है, तो फिर ये प्राणी आपके नाम को क्यों नहीं लेते। बिना गाड़ी में डीजल पेट्रोल के गाड़ी चलेगी? बिना श्वासों के ये शरीर चलेगा? बिना भगवान के नाम जपे क्या यमपुरी से बचाव होगा? वाह, कितना। गरुण जी कहते हैं जो व्यक्ति अपनी वाणी से आपके नाम लेते हैं, तो जो आपका नाम लेते हैं वो आपके अधीन होते हैं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा, बहुत समझदारी वाली बात है। जैसे ही आपने गुरु मंत्र लिया और आप गुरु जी के अधीन हो गए, नाम लेकर भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया, तो अब आपका नाम यमराज के रजिस्टर से कट हो गया। तो फिर कहां लिखा गया नाम? बोले भगवान के रजिस्टर में लिख दिया गया। यहां ये कह रहे हैं क्योंकि नाम लेने वाली वाणी तो आपके अधीन है, फिर यम मार्ग से बचाने वाले आपके नाम को नराधम जपते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं, नरक में क्यों पड़ते हैं? ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार है, ऐसे लोगों को बार बार धिक्कार है जो आपके नाम से यमपुरी जाने से बच सकते हैं फिर भी आपका नाम नहीं लेते। आप अपने बच्चों से कहो बेटा 5 मिनट भजन करो तो तुरंत भाग, नहीं भजन नहीं होना, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अरे मूर्खा नंद, स्कूल जाने के लिए लेट हो गए तो यहां से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ले दे के पास करा लेंगे, लेकिन वहां अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां कुछ लेन देन नहीं चलता है, वहां फंस जाओगे तुम। मां तो एक ही करेंसी चलती है, भज मन राधे राधे, भज मन राधे राधे, राधे राधे।
राधे गोविंदा राधे 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 भज राधे गोविंदा राधे 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 भज राधे गोविंदा गोविंद गोविंद राधे गोविंदा। यही चलेगा वहां नाम ही चलेगा।